आज मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त टेक्निकल वीडियो लाया हूँ। जैसे कि आप चाहते हैं कि जो जियो न्यूज़ वाले हैं या ARY न्यूज़ वाले हैं और या ATV न्यूज़ वाले हैं और जो सेट पर जो लोगों को उनको घुमाते घुमाते हैं, तो ये कैसा बनता है, तो इतना मुश्किल काम नहीं है कि आप लोग समझेंगे। इनके लिए बहुत बड़ा एक्सपर्ट होना चाहिए। आप भी एक मिनट में ऐसे ही रोटेटिंग लोगो बना सकते हैं। आए चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब कि कैसे आप रोटेटिंग लोगो बनाते हैं। अब आते हैं अपने वीडियो की जानिब कि आप रोटेटिंग लोगो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप अपने मोबाइल में कैन मास्टर को ओपन करेंगे। कैन मास्टर को ओपन करने के बाद आप न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट क्लिक करने के बाद आप 16:9 को सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहला स्टेप ये है। इसके बाद आप एक ग्रीन स्क्रीन कोई भी बैकग्राउंड ले, लेकिन इसका कलर आप ग्रीन में चेंज करेंगे। हम इनको आप इस कलर पर क्लिक करें और इसके बाद आप उसको ग्रीन में चेंज करें। इसके बाद आप इससे एक स्क्रीनशॉट ले ले। क्या ले ले? स्क्रीनशॉट। ये स्क्रीनशॉट हमने ले लिया और इस स्क्रीनशॉट कहाँ गया? इस गैलरी में सेव हो गया। ये जो हमारे पास हमारे मोबाइल का गैलरी है, इसमें ये स्क्रीनशॉट क्या है, ये सेव हो गया। अब इसके बाद आप दोबारा काइन मास्टर को ओपन करेंगे। दोबारा काइन मास्टर ओपन करने के बाद आप न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे, लेकिन इस बार आप जो रेशो लेंगे वो 1:1 ये वाला लेंगे आप, ठीक है। इसके बाद आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद आप कोई भी बैकग्राउंड ले सकते हैं, आप जो मर्जी है ले सकते हैं, आपका पसंद का कलर हो। अब फॉर एग्जांपल मैं ये ब्लैक लेता हूँ, ठीक है, ब्लैक लिए मैंने। इसके बाद इस पर आप दोबारा एक और लेयर लेंगे, लेयर पर क्लिक करेंगे। लेयर क्लिक करने के बाद कोई और कलर ले, फॉर एग्जांपल मैं ये पसंद करता हूँ, ये लिया। आपकी मर्ज़ी, आप जो भी लेते हैं। उसको हम थोड़ा सा क्रॉप करेंगे, थोड़ा सा क्रॉप करेंगे, ठीक है। हमने क्रॉप किया, ठीक है। अब इसको हम एडजस्ट करेंगे। इस नीचे वाली स्क्रीन जो ब्लैक स्क्रीन पर है, इन पर हम इनको क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, ठीक है। इनको हमने एडजस्ट किया। अब इसी तरह कोई और कलर भी ले, कोई दूसरा लेयर भी ले, आपकी मर्ज़ी, जो भी आप कलर लेना चाहते हैं, चाहे आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। मैं ये लेना चाहता हूँ, उसको भी आप थोड़ा सा क्रॉप करें, ठीक है, थोड़ा सा क्रॉप करें। ये हमने थोड़ा सा क्रॉप किया, ठीक है। इसको इसके बाद हमने उनको भी एडजस्ट करने हैं, जो ऊपर हमने जो रेड वाला एडजस्ट किया है, इस तरह ये भी हम उनको इस तरह एडजस्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूँ, अगर आप अपने लिए बनाएं तो आप बिल्कुल आराम से बना सकते हैं। सिर्फ तरीका आप सीखिए, आप सिर्फ मेथड सीखिए, आप जो मैं बता रहा हूँ आप इस पर अमल करें, बाकी आप बहुत ही अच्छे तरीके से बनाएंगे अपने लिए। इसके बाद हम आपका जो चैनल है, फेसबुक पेज है, कोई भी लोगो है, इनका नाम है आप लिखेंगे, तो आप प्लेयर पर क्लिक करें और इधर टेक्स्ट में आए, टेक्स्ट में आए। फॉर एग्जाम्पल मेरे चैनल का नाम है मियाँ सदीक अहमद, तो मैं लिखूँगा मियाँ सदीक अहमद, ठीक है। तो पहले लेयर पर, पहले जो रेड कलर इस पर मैं मियाँ सदीक आएगा। इसके ये जो टेक्स्ट है आप चेंज कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म फ़ॉन्ट आप दे सकते हैं, कोई भी, ये बहुत से फ़ॉन्ट है, आप कोई भी फ़ॉन्ट दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये देता हूँ, ठीक है। इसके बाद आप अहमद लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे? प्योर टेक्स्ट पर क्लिक करें, अहमद लिखो, अहमद, और इसको जो नीचे वाले जो हमने लेयर लगाया इन पर आप एडजस्ट करें। इनको आप कलर भी दे सकते हैं, मतलब इसमें कलर दे सकते हैं। इस कलर पर आप ऑप्शन पर क्लिक करो तो आप इनको ये ब्लैक वाला और ये जो इसको कलर भी दे सकते हैं, आप इसको रेड वाला दे दो, कोई भी आपकी मर्ज़ी है, कोई बात नहीं, जो रंग आपको पसंद है। ये काम हो गया इस तरह। अब इनसे भी एक स्क्रीनशॉट ले लें। दूसरी बात ये कि आप भी इनसे भी एक स्क्रीनशॉट लें। हमने इनसे भी एक स्क्रीनशॉट ली, ये स्क्रीनशॉट भी हमारे पास मोबाइल में सेव हो गया, ठीक है। अब हम ऐसा करेंगे कि दूसरा ऐप इस्तेमाल करेंगे, उसको हम कहते हैं फोटो क्यूब। उनको हम क्या कहते हैं? फोटो क्यूब, ठीक है। फोटो क्यूब ये एक ऐप है, दूसरा इनसे भी आप मदद दे सकते हैं, इनका काम भी है, लेकिन मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। आप मैं ओपन पर क्लिक करूँगा, इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। काइन मास्टर का काम थोड़ा सा ख़त्म हुआ, बाद में फिर आएंगे। अब फोटो क्यूब का काम है। अब स्टार्ट पर क्लिक करो। स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद आप सबसे पहले ऑप्शन जो है सेलेक्ट बैकग्राउंड पर क्लिक करें। सेलेक्ट बैकग्राउंड पर क्लिक करें, जो आप इस कार्नर में जो आपको प्लस का निशान नज़र आ रहा है, इन पर आप क्लिक कर दें। इन पर क्लिक करने के बाद आपको इधर जो ये हमने पहला स्क्रीनशॉट लिया था ग्रीन स्क्रीन वाला, ग्रीन बैकग्राउंड वाला, इसको हम लेते हैं। इनको हम उन्होंने ऑटोमेटिक ही क्रॉप किया, उनको अब डन क्लिक कर, ये क्रॉप हो गया, ठीक है। अब आते हैं क्या, अब इधर दूसरा ऑप्शन है चेंज फोटो। चेंज फोटो पर आप क्लिक कर दें। चेंज फोटो पर क्लिक करते इसको हम 6 साइड से तस्वीर लगाएंगे। अब हमने जो दूसरा स्क्रीनशॉट लिया था उनको हम इधर बारी बारी लगाएंगे। ये पहला ये लगाया, इनको आप अपनी मर्ज़ी से ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। ये लेफ्ट साइड पर हो गया, राइट साइड पर भी यही तस्वीर लगाऊँ जो दूसरा स्क्रीनशॉट हमने लिया था, उनको भी आप अपनी मर्ज़ी से थोड़ा ऊँचे ऊंचा कर सकते हैं या नीचा कर सकते हैं, कोई बात नहीं। और टॉप साइड वाला भी यही ले लो, बॉटम साइड वाला भी यही ले लो, सॉरी सॉरी,
बॉटम साइड वाले भी यही ले लो, बैक लेफ्ट वाले भी ले लो, और अभी बैक राइट वाले भी ले लो। आप जो साइड्स पर तस्वीर लगते हैं, हमने दूसरा स्क्रीनशॉट बनाया था, आप इसके लिए बहुत सी भी बना सकते हैं। अब पीछे आएंगे, पीछे अब हम क्या करेंगे, इस सेट वॉलपेपर क्लिक करेंगे। सेट वॉलपेपर आप देख रहे हैं कि ये लोगो है, रोटेटिंग लोगो आपको नज़र आ रहा है। अब आप ऐसा करेंगे कि इन जो रोटेटिंग लोगो आपको नज़र आ रहा है, आप इनसे 10 सेकंड का रिकॉर्डिंग करेंगे। क्या करेंगे, 10 सेकंड का रिकॉर्डिंग करेंगे। 10 सेकंड का रिकॉर्डिंग करने के बाद आप अपने मोबाइल में उसको सेव करेंगे, और इसके बाद हम आपको बताएंगे कि आप ये अपने वीडियो पर कैसे लगाएंगे। अभी आप दोबारा कैड मास्टर को ओपन करेंगे। अब हम अपने वीडियो पर वो रोटेटिंग वीडियो लगाते हैं जिसको हम 10 सेकंड का रिकॉर्डिंग किया था, या 15 सेकंड का था, 20 सेकंड का था, जो भी है। फॉर एग्जाम्पल हमने वीडियो बनानी है 16:9, कोई भी रेशो आप ले सकते हैं आपकी मर्ज़ी। फॉर एग्जाम्पल हमने एक वीडियो बनाई है, बनाते हैं हम एक वीडियो पर लगाते हैं, मिसाल के तौर पर कोई भी वीडियो जो मैं, फॉर एग्जाम्पल ये वीडियो है, इन पर मैं लगाता हूँ, ठीक है। ये कोई वीडियो है, इन पर मैं अपना वो रोटेटिंग लोगो है वो लगाता हूँ। अभी वीडियो स्क्रीन पर आ गया, ठीक है। अब हम इन पर वो रोटेटिंग लोगो लगाते हैं, तो 14 सेकंड वाले वीडियो हम इधर लगाएंगे, ठीक है, और 14 सेकंड वाले वीडियो इधर लगाएंगे। और इसके बाद मैं आपको तरीक़ाकार समझाऊंगा कि आप किस तरह वीडियो पर वो रोटेटिंग लोगो लगा सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। अब देखो ये हमने वो 14 सेकंड वाला या 10 सेकंड वाला जो रोटेटिंग वीडियो इधर आया था। अब हम क्या करेंगे, ये क्रॉप जो है इन पर सेलेक्ट करेंगे, और इनको इस तरह से कि क्रॉप करेंगे कि जो दरमियान वाला है ये सिर्फ ये रह जाए, बाकी जो है ख़त्म हो जाए, ठीक है। और हमको साइड्स पर भी क्रॉप करेंगे, और जो नीचे ग्रीन स्क्रीन है वो हमें हटाना पड़ेगी, ठीक है। अब ये रोटेटिंग वीडियो बन गया, ठीक है। अब ये रोटेटिंग वीडियो तो बन गया है, इधर हम लगाते हैं साइड पर, लेकिन नीचे जो ग्रीन स्क्रीन है उनको आप हटाने के लिए क्या करेंगे, क्रोमा की इस्तेमाल करेंगे। इधर क्रोमा की पर आप क्लिक करेंगे तो क्रोमा की से वो क्या हो गया, ग्रीन स्क्रीन भी हट गई। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि जो रोटेटिंग वीडियो लोग है वो बन गया। उम्मीद है कि आप लोगों को ये तरीका समझ में आया होगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।